अभी तो हमारे इंडिया में भी आ रहा है बुलेट ट्रेन, ये सेम बुलेट ट्रेन ही आ रहा है, तो जापानीज बुलेट ट्रेन है, आई थिंक जापानीज कंपनी के थ्रू ही बनाया जा रहा है हमारे इंडिया में। ओ भाई साहब ये देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बिजनेस बहुत है, यहाँ पे काम वगैरह कर सकते हो आप। मैं भी और काफी एक्साइटेड हूँ कि भाई ऐसी बुलेट ट्रेन कब इंडिया में आएगी। हाँ चलो वंदे भारत तो जरूर आ चुकी है हमारे इंडिया में, पर ये वाली बुलेट ट्रेन की बात अलग है यार। मुझे तो बिलीव नहीं होता यार कहाँ आ चुकी है हमारी दुनिया। लिटरली 2 घंटा 10 मिनट में हम लोग ने यार अराउंड 500 किलोमीटर की जर्नी कर ली यार। यहाँ पे भाई बुलेट ट्रेन देख सकते हो आप लोग, भाई साहब मजा आ गया यार बुलेट ट्रेन देखो भाई कितनी जल्दी, देखना स्पीड पकड़ लेगी देखना। ओय होय 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 क्या बात है, मजा आ गया। स्वागत है गाइस आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग, मेरा नाम विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मेनियक। टोक्यो स्टेशन से मेरी बुलेट ट्रेन है आज ओसाका के लिए 6 बजे के अराउंड सुबह के, मेरी ट्रेन है अभी कुछ अराउंड 5:20 हो रहे हैं, मेरे को अराउंड 20 मिनट लग जाएंगे टोक्यो स्टेशन पहुंचने के, वहां से फिर हमको जो बुलेट ट्रेन है वो पकड़नी है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग नोजोमी बुलेट ट्रेन है वो मैं लूंगा, जो कि बहुत मशहूर बुलेट ट्रेन है, जो कि हाई स्पीड रेल में आती है, कुछ अराउंड 320 से 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलती है भाई वो वाली ट्रेन। 350 किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूँ भाई, भाई अलग ही चीज़ है यार जापान, क्या बताऊँ मैं आपको। भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे भंड लोग सुबह सुबह आपको जापान में ये भी स्पेशली टोक्यो में ये भी देखने को मिल जाता है भाई, भंडों के नाच रहे हैं यार, ये खतरनाक सा भाई माहौल देख सकते हो यहाँ पे भाई टोक्यो में, क्योंकि यार टोक्यो है पार्टी हब है यार, यहाँ पे नाइट लाइफ अलग ही लेवल की होती है। यहाँ पे सैटरडे संडे के दिन यहाँ पे कैसा होता है कि यार रात भर पार्टी होती है, मतलब 10-11 बजे तो यहाँ पे नाइट लाइफ शुरू होती है, एंड 10-11 बजे से लिटरली 5-6 बजे तक भाई यहाँ पे सुबह के नाइट लाइफ चलती है, क्योंकि भाई 12 बजे के बाद मेट्रो बंद हो जाती हैं, तो लोग पूरी रात भाई पार्टी करते हैं, उसके बाद सुबह जब 5 बजे मेट्रो शुरू होती है उसके बाद ऐसे भाई लोग 5 बजे के बाद मेट्रो लेके घर जाते हैं भाई। एंड अभी आप सोच रहे हो कि यार ये क्या बात हुई, मतलब टैक्सी वगैरह नहीं चलती क्या यहाँ पे, बट टैक्सी वगैरह चलती है बट हद महंगी होती है भाई टैक्सी यहाँ पे। 1-2 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 4,000-5,000 येन भाई चार्ज कर लेते हैं, 2,000-3,000 रुपये बस 2-3 किलोमीटर के लिए भाई, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो नॉर्मली टैक्सी लेते नहीं है लोग। एंड भाई जापानीज लोग ना भाई वैसे तो कुछ बोलते नहीं है, पर दारू पीने के बाद भाई इतने बोलेंगे कि भाई सभी को भाई हैरान कर देते हैं भाई जापानीज लोग। तो ये फिलहाल भाई देख सकते हो ये है टोक्यो मेट्रो का भाई माहौल, भाई अभी फिलहाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं इसलिए भाई माहौल इतना खाली खाली सा है, ये तो हो नहीं सकता टोक्यो मेट्रो इतना खाली हो भाई। लास्ट टाइम जब मैं आया था इतनी भीड़ थी यहाँ पे, लिटरली चलने को जगह नहीं होता भाई, देख देख के चलना पड़ता है कहाँ टकरा ना जाए लोगों से, हम लोग इतनी भीड़ होती है भाई ये वाले स्टेशन में। यहाँ पे अलग अलग लाइन देख सकते हो, जितने भी ये टोक्यो मेट्रो की लाइन है वहाँ से कनेक्ट करती है, इस तरफ देख सकते हो शिनकानसेन लिखा है जहाँ पर हमको भाई हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो पकड़नी है। आई थिंक जापान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, अगर बताऊँ आप लोगों को तो टोक्यो से ओसाका अगर मैं फ्लाइट में लेता तो अराउंड मुझे 6,000-6,500 रुपये तक पड़ता इंडियन रुपीज़, एंड वही अगर मैं अभी बुलेट ट्रेन में जा रहा हूँ तो मुझे अराउंड 15,000 येन पड़े हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड बोल सकते हो 7-8,000 रुपये के अराउंड, ठीक है ना भाई। अभी आप बोलोगे यार फ्लाइट तो सस्ती पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चाहिए होता है गाइस, क्योंकि जब आप बुलेट ट्रेन लेते हो तो लिटरली आप सिटी के अंदर से सेंटर से आप लिटरली ट्रेन पकड़ते हो, बट वही अगर मैं फ्लाइट में जाता तो मुझे पहली बात तो सिटी से एयरपोर्ट जाना पड़ता, और उसके लिए मुझे आई थिंक एयरपोर्ट जाने के लिए कुछ 1,000 रुपये लग जाते हैं मेरे को, ठीक है। एंड एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट भी आपको 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा डोमेस्टिक के लिए, 2 घंटा पहले जाने के लिए मुझे 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो भले ही आपको यार फ्लाइट 1-2 हज़ार कम ज़रूर दिख सकती है, बट अगर देखा जाए तो टाइम के मामले में या फिर जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र वगैरह है उसके मामले में देखो तो यार कहीं ना कहीं तरीके से बराबर सा ही हो जाता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये जो पहले नोजोमी 1 6 बजे का जो दिखा रहा है, हाँ जी ये वाला हमको पकड़ना है अराउंड 14 ट्रैक में बता रहा है ना, लिटरली हमारे पास देखो 6 बजे की है 5:54 हो रहेगा, लिटरली आप लिटरली 5 मिनट पहले भी आके आप तो ट्रेन है वो बोर्ड कर सकते हो, बट फ्लाइट में अगेन ये आपको जो लग्जरी है टाइम का वो नहीं मिलता आपको। तो भाई हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो लग चुकी है देख सकते हो, एंड
मेरा टिकट है भाई, ये हमने टिकट लिया हुआ है बुलेट ट्रेन का, मैंने JR पास नहीं लिया एंड बिना JR पास के ये है 15,000 येन का मुझे ये भाई टिकट प्राइस पड़ा है टोक्यो से ओसाका के लिए। एंड मेरा भाई यहाँ पे कार है क्या, सिक्स कैबिन में जाना है मेरे को। तो ऐसी भाई यहाँ पे जापान में बुलेट ट्रेन होती है। तो ये देख दो गाइस, टोक्यो से ओसाका अराउंड 500 किलोमीटर की जर्नी है एंड 500 किलोमीटर मुझे कार में या फिर अपने पर्सनल अगर व्हीकल होता तो कुछ अराउंड 5.5 घंटा दिखा रहा है मुझे हाईवे से। एंड वही बुलेट ट्रेन में हम 2.5 आवर में पहुंच जाएंगे, 500 किलोमीटर 2.5 आवर में। तो ये भाई यहाँ पे कमाल जापान के बुलेट ट्रेन का यार। एंड अभी तो हमारे इंडिया में भी आ रहा है बुलेट ट्रेन, ये सेम बुलेट ट्रेन ही आ रहा है, तो जापानीज बुलेट ट्रेन है, आई थिंक जापानीज कंपनी के थ्रू ही बनाया जा रहा है हमारे इंडिया में, बट आई थिंक उसको बनने में आई थिंक और 2 साल लगेंगे, अराउंड 2026 का राउंड शायद ये वाला ट्रेन आने वाला है हमारे इंडिया को। ये हमारा 206 नंबर बोगी, इसके अंदर चलते हैं अभी। तो भाई ये हमारी ट्रेन है एंड हमारा जो सीट है वो 5A है, तो हमारे जो विंडो सीट हमने ली है तो 5A 765, हाँ जी ये वाली सीट है भाई हमारी, ये वाली सीट है। अभी तो कोई आया नहीं है, पूरी सीट खाली है, पर हाँ जी फाइनली ट्रेन में पहुंच गए। एंड अभी टाइम लिटरली भाई देख सकते हो 5:57 हो रहा है। हाँ जी इतना इतना क्लोज मत आया करो आप, नॉर्मल 10-15 मिनट पहले आ जाया करो, पर हम लेट हो गए थे, बट लिटरली 2-3 मिनट पहले भी आप चढ़ सकते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ, कोई बैग चेक नहीं हुआ, बहुत स्मूथली आप ट्रैवल कर सकते हो, ये खास बात है बुलेट ट्रेन की। भाई एग्जैक्ट 6 बजे एंड भाई हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो शुरू हो चुकी है। एंड भाई टोक्यो से पहली बुलेट ट्रेन चलती है 6 बजे एंड ये सारे भाई इसके रूट्स हैं, ओकायामा जाएगी, फुकुयामा जाएगी, हिरोशिमा जाएगी, ये कोकुरा जाएगी, हकाटा जाएगी, तो ये सारे भाई इसके भाई रूट है, आई थिंक काफ़ी दूर तक जाने वाली है ये वाली ट्रेन। तो भाई जो पहला स्टेशन है नगोया वो आ गया भाई अभी, तो बाहर निकलते हैं देखते हैं भाई क्या माहौल होता है यहाँ पे। तो ये भाई हमारा जो ट्रेन में ढंग से दिखा नहीं पाया आप लोगों पर, यार मेरे को ना यार थंबनेल के लिए जाना है आगे, देखते हैं भाई ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के रोकते हैं लोग, पूछते हैं यहाँ पे स्टाफ को अगर ले सकते हैं कि नहीं, तो उसको मैंने पूछा अभी वहाँ पे रेलवे स्टाफ को, कहता कि नहीं भाई लिटरली 3 मिनट के रुकती है यहाँ पे, 3 मिनट में आती है, जैसे आएगी 3 मिनट में भाई चले जाएगी, ठीक है ना भाई, ऐसा सिस्टम होता है। तो देखो भाई 3 मिनट भी नहीं भाई, आई थिंक 1 मिनट रुकी है मेरे हिसाब से, एक जैसी आई 1 मिनट रुका, लोग जो है पैसेंजर से वो ऑनबोर्ड हुए, ऑनबोर्ड होने के बाद भाई जो दरवाज़ा है बंद हो गया एंड जो हमारे बुलेट ट्रेन है फिर से भाई शुरू हो गए। भाई टाइम का सिस्टम है भाई यहाँ पे, टाइम का सिस्टम है लिटरली। बाकी का अगर बताऊँ आपको मैं और सारे फीचर्स ये ट्रेन में, तो यहाँ पर ये बेसिन मिल जाता है जो कि आई थिंक मैं लास्ट टाइम में ये चढ़ा हुआ हूँ, तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया है। एक्चुअली चीज़ है बुलेट ट्रेन में अलग अलग किस्म के बुलेट ट्रेन होते हैं, एक तो होता है भाई हायाबुसा जो कि चलती है नॉर्थ की तरफ, अगर आप सपोरो जाओगे हकाइडो जाओगे उसके तरफ अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ग्रीन वाली बुलेट ट्रेन जो कि जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन होती है। ये जो होती है ये भी सिमिलर रेंज की होती है, अगर बताऊँ तो ये भी अराउंड 320-350 पहुँचती है, जो हायाबुसा है वो भी आई थिंक अराउंड 350-380 तक पहुँचती है, वो आई थिंक 20-30 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है। पर ये जो ट्रेन है नोजोमी, ये नोजोमी ट्रेन अगेन JR पास में इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप JR पास लेके आते हो तो ये वाला ट्रेन आप नहीं ले सकते, आई थिंक JR पास लेने पे बहुत ही एक लिमिटेड ट्रेन कंपनी होती है उसी को आप बोर्ड कर सकते हो, बट मेरे पास JR पास नहीं था, डायरेक्टली टिकट लिया इसलिए हम ये नोजोमी में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ये भी अराउंड कुछ 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैच करती है, बिल्कुल स्मूथ क्या है भाई। ओ भाई साहब ये देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे, ओ यहाँ पे बिजनेस बूथ है जहाँ पे काम वगैरह कर सकते हो आप, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था यार, ये देखो यहाँ पे चेयर वगैरह लगाया गया है, मस्त बुलेट ट्रेन में बैठना है आपको, यहाँ बैठो अपना मतलब चार्ज वार्ज करना है चार्ज करो और उसके बाद आपको काम वाम करना तो काम करो। ये देखो कितना कूल है यार, ये मेरे को खुद नहीं पता था, इसको पुश करते हैं एंड मेरे को लग रहा था वॉशरूम होगा ये, पर बाकी का ये और क्या चीज़ें यहाँ पे, ये प्राइवेट, अच्छा ये प्राइवेट का, ये वॉशरूम है भाई, तो ये भाई यहाँ पे इनका वॉशरूम होता है बुलेट ट्रेन का, काफ़ी बढ़िया बुलेट ट्रेन है ये। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो भाई ये है कि भाई ये हमारे जो सिमिलर सा ट्रेन देख रहे हो आप लोग, ऐसा सिमिलर ट्रेन हमारे इंडिया में भी आने वाला है, तो
जो चीजें जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो फिलहाल मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये जापान ट्रेन में, ये आप लोगों को इंडिया में भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सिमिलर फीचर्स के। यहाँ पे काफी बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जापानीज ट्रेन है तो आप लोगों को ये सारे चीज तो मिलेंगे भाई, अलग अलग फीचर्स इनके टॉयलेट में। यहाँ पे अलग अलग किस्म की पिचकारी देख सकते हो आप लोग, एंड यहाँ पे आई थिंक ये सीट ओपन क्लोज का है। अरे भाई साहब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बटन दबाया तो खुल गया, ठीक है, फिर से दबाऊंगा बटन दबाऊंगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऊपर से इसमें मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि यार म्यूजिक का सिस्टम है कि नहीं, बट नॉर्मली जापानीज टॉयलेट में आपको म्यूजिक का सिस्टम मिलता है कि भाई दबाओ, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो दबाने में पूरा गाना बजने लगेगा एंड अंदर जो हो रहा है बाहर आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है जापान में। काफ़ी क्यूट है, यहाँ पे वॉश बेसिन भी है, एक टूट क्यों गया है मुझे पता नहीं यार, चलो कोई नहीं, बाकी का ये तो था, मुझे वॉशरूम यूज़ तो करना नहीं था पर हम ऐसे ही आ गए आपको दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पे कॉल बजर है, आपको दिक्कत हो रही दबाओ तो भाई लिटरली जो बुलेट ट्रेन में काम करने वाले हैं वो अंदर आ जाएंगे। मेरे साथ एक बार फ्लाइट में हुआ था, एक गलती से मैंने दबा दिया था फ्लश के जगह पर, बताना आपके साथ भी कभी हुआ है कि नहीं। तो ये था भाई हमारा वॉशरूम, बोल शिवा रेस्टोरेंट कॉफ़ी नो रेस्टोरेंट। तो यार मुझे यार कॉफ़ी चाहिए था, कॉफ़ी तो है नहीं यहाँ पे, भूख लगी यार मेरे को, आई थिंक उतर के ही मुझे मिलेगी ये जितनी भी चीज़ें। अरे तो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है भाई, देखो पास आया ऑटोमेटिक खुल गया, ठीक है ना भाई। एंड ये जो फिलहाल आप सिस्टम देख रहे हो सीटिंग का, सिमिलर साइज सीटिंग हमारे इंडिया में भी मिलेगा आपको, आई थिंक जापानीज कंपनी बना रही है तो उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी सिमिलर तरीके से ही जो है वो चीज़ें होने वाली है। एंड यहाँ से भाई बाहर का माहौल देख सकते हो आप लोग, अराउंड 300 किलोमीटर के अभी ऊपर स्पीड में चल रही है अभी हमारी ट्रेन, एंड बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है यार, देख सकते हो इतना बढ़िया लेग रूम है। यहाँ पे पीछे से अगर आप करोगे तो जो रिक्लाइनिंग है, रिक्लाइनिंग हो जाती है आपको, और अरे बाप रे लंबी रिक्लाइन हो जाती है, इतना ज़्यादा तक रिक्लाइन हो रहा है, लिटरली आराम से आप लेट सकते हो अगर आपको लेट ना हो लेते हैं, तो ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पे। एंड यहाँ पे भाई आपको वाईफाई मिल जाता है शिंकानसेन का फ्री वाईफाई, एंड अगेन यहाँ पे इंग्लिश और जापानीज दोनों लैंग्वेज में आपको तो चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैं तो यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई ऐसी बुलेट ट्रेन कब इंडिया में आएगी। हाँ चलो वंदे भारत तो ज़रूर आ चुकी है हमारे इंडिया में, पर ये वाली बुलेट ट्रेन की बात अलग है। आई थिंक मुंबई से अहमदाबाद की शायद पहली रूट बन रही है हमारी, जो आई थिंक 2026 के अराउंड बनेगी, एंड सिमिलर स्टाइल की बुलेट ट्रेन है जो जापान में आपको देखने को मिलती है। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर ये इंडिया में आई है बुलेट ट्रेन तो ऑफकोर्स मुझे लगता नहीं कि इतना महंगा करेंगे, क्योंकि इतना महंगा करने पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जापान में जो इनकम पैरिटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है, उसके हिसाब से यहाँ के जो ट्रेन है उसकी प्राइजेस रखते हैं लोग। पर आई थिंक मेरे इंडिया में अगर प्राइस आएगी तो मेरे को लगता है आई थिंक अगर 3000 रुपये के अंदर अगर ये बुलेट ट्रेन हमको एक्सपीरियंस करने को मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लिटरली हम फ्लाइट के बराबर की टाइम से पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई से अहमदाबाद भी जाएंगे तो फ्लाइट में भी आई थिंक आराम से आपको 1.5 आवर, एक से एक डेढ़ घंटे की आपको जो फ्लाइट टाइमिंग होगी, एंड वही अगर हम बुलेट ट्रेन में जाएंगे तो आई थिंक अराउंड 2 से 2.5 घंटे में हम जो जर्नी वो कर लेंगे, जो कि सिमिलर सा ही रूट है अगर मैं टोक्यो से ओसाका की बात करूं, एंड सिमिलर सी कंडीशन जो कि फ़िलहाल मैं अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्योंकि हमको कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हमको जो वो सिक्योरिटी का हैसल है उससे गोत्र नहीं करना, एंड क्योंकि एयरपोर्ट भी इतनी दूर होती है इसीलिए जो बुलेट ट्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है ऐसे रूट में, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से तो लगता है 3000 के अंदर अगर होगी प्राइस, 3 से 4000 के अंदर, आई थिंक 4000 भी थोड़ा महंगा हो जाएगा, बट 3000 के अंदर अगर होगी बुलेट ट्रेन तो मज़ा आ जाएगा यार, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मेरे पर्सनली हमारे देश में ऐसी बुलेट ट्रेन को देखने में यार। शिन ओसाका स्टेशन है, वहाँ पे भाई पहुँचे हम लोग, यार मुझे तो बिलीव नहीं होता यार कहाँ आ चुकी है हमारी दुनिया। लिटरली अराउंड 500 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने अराउंड 2.5 आवर में कर ली, 2.5 भी नहीं, 2 आवर्स 10 मिनट में कर ली हम लोग ने, 2 घंटा 10 मिनट में हम लोग ने यार अराउंड 500 किलोमीटर की जर्नी कर ली यार। मुझे तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार कि कहाँ पहुँच चुकी है हमारी दुनिया। और जो भी है यार,
अभी फिलहाल देख सकते हो आप लोग, ये तो यार काफ़ी पुरानी चीज़ है जापान के लिए। कुछ अराउंड 10-15 साल से जो बुलेट ट्रेन है वो चल रही है जापान में। अभी तो चाइना में भी चलने लगी है, बहुत ही सिमिलर किस्म की बुलेट ट्रेन और सिमिलर स्पीड की बुलेट ट्रेन बोल सकते हो। और अभी इंतज़ार है हमको यार कि इंडिया में कब आएगी हमारी जो एक्चुअल बुलेट ट्रेन है। ये देख सकते हो भाई N700 नोजोमी का भाई ये ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। तो ये देख लो भाई, ऐसी भाई होती है यहाँ पे जापान की भाई बुलेट ट्रेन। देख सकते हो ये चोंच भाई, पतली नाक वाली भाई बुलेट ट्रेन देख सकते हो आप लोग। भाई साहब भाई बिलीव नहीं होता भाई, मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसको इंडिया में देखने के लिए भाई। सही बता रहा हूँ मैं यार, मज़ा आ जाएगा जब ये इंडिया में चलेगी भाई। द जापानीज शिनकानसेन जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। चलो भाई आपको ये बुलेट ट्रेन की भाई निकलने की भी वीडियो दिखा देता हूँ। ऊपर भाई फ्लाइट पे जा रही है, ओ देखो भाई कितनी जल्दी, देखना स्पीड पकड़ लेगी देखना। ओहो हो क्या बात है, मजा आ गया भाई। तो भाई फिलहाल फाइनली हम आए सिनोसाका। तो हमारे काफी खास भाई बाहर भाई स्टेशन के वेट कर रहे हैं एंड मैं आगे भाई फोटो वीडियो वगैरह ले रहा हूँ। तो भाई देख लो ये हमारे आ गए पांडे साहब, अजय भाई है, ये काफी मशहूर इंडियन यूट्यूबर है जापान में। तो इन्होंने यार अपनी रॉयल एनफील्ड लेके आई है, देखो भाई ऐसे बस पिकअप करने के लिए आए ओसाका में। भाई यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चलती है क्या? बहुत हाँ अब चलने लगी, क्लासिक ज्यादा चलती है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। चलो भाई बैठते हैं। चलो भाई यत्ता, देखो ये देख लो भाई, मैं पहली बार बाइक पे बैठ रहा हूँ जापान में। अरे भाई गजब यार, मजा आ गया यार, ये देखो यार। अच्छा, मैं अजय भाई को बोल रहा था यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो भाई ना मस्त है लेन ड्राइविंग कर रहे थे, तो मैं बोला उनको ऐसे नहीं जा सकते, तो अजय भाई बोल रहे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अजय भाई बोल रहे हैं कि लिटरली पूरी कार की फॉलो करनी होती है रूल्स, तो जो कार के रूल्स होंगे भाई ये बाइक के लिए भी वही से। अरे उतरो, चलो एक नंबर। ओ भाई साहब ये देख लो जीटी कॉन्टिनेंटल, और भाई बोल रहे हैं ये चेन्नई से बन के आई है। कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम को? 5-6 साल हो गए। ये देख लो भाई साहब जापान में रॉयल एनफील्ड। और वो जो आपकी जो वीडियो गई थी वो 350 की थी ना, वो क्लासिक 350 10 मिलियन। क्रेजी भाई साहब, देखा होगा लोगों ने यार जो जापान की क्रेज, जापान के बारे में सर्च करते होंगे। देख लो भाई लिटरली यार चेन्नई से बन के आई है बोल रहे हैं।